देश भर में लाखों महिलाओं की जान दहेज के दानों ने ली ली है और लाखों महिलाएं आए दिन दहेज के कारण उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए कई कड़े कानून भी बनाए हैं, लेकिन कानून का मखौल उड़ाना कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां शगुन के नाम पर शादी में ढेर सारे रुपए और गहने दिए जा रहे हैं। गौर से देखिए कैसे पैसे गिनाए जा रहे हैं और सिर से लेकर पैरों तक दुल्हन को सोने से लादा जा रहा है। वायरल वीडियो में ये पैसे करीब 42 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और करोड़ों का दहेज है। 51,000 रुपए बांट के 31 जोड़ी कपड़े थाना भवन से, और ये भाई इस्लाम ने दिए 21 लाख रुपए, एक किया 40, ये कितनी है जी? 40 तीन सोने की है, 20 चांदी की है, 11 चीज ये जो सिंदूर सिमरन की है, 11 चीज सिंदूर सिमरन की है, और ये गाड़ी की चाबी किया दिया सेल। तो दहेज देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में इसकी खूब चर्चा भी। वायरल वीडियो का संज्ञान शामली पुलिस के थाना अध्यक्ष ने लेते हुए मामले में जांच शुरू कर दी और जांच के बाद आयकर विभाग को इसकी जांच भी सौंप दी गई। वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें काफी नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। उक्त वीडियो थाना भवन कस्बे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो लगभग 2 माह पुराना है, क्योंकि इस वीडियो में काफी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अतः इस संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार कर जांच की जाएगी। बाद जांच संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक तरफ जहां दहेज का दानव कईयों की जान लेता है, वहीं यह खुद परिवार दहेज का शो ऑफ कर रहा है और लाखों करोड़ों एक शादी में खर्च कर रहा है। शामली से भारत समाचार के लिए रविंद्र सुलानिया की रिपोर्ट। 20,51,000 रुपए बांट के 31 जोड़ी कपड़े थाना भवन से। तो भारत